So welcome students, now we are going to see exchange of gases during respiration. तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा है कि रेस्पिरेशन में क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा उनमें गैसेस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो यहां पर हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो यहां पे हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में, कुछ और एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में भी, कि कैसे उनके बॉडीज के अंदर गैसेज जाती हैं और कैसे उनकी बॉडीज से गैसेज बाहर आती हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स विल अटैक कि ह्यूमंस में कैसे होता है. इन ह्यूमंस, सो दिस इज ह्यूमन बॉडी. और स्टूडेंट्स यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं. सो आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो यहां पर होता है वो यहां पर आप देखें दिस एंड दिस. इनको बोलते हैं स्टूडेंट लंग्स, लंग्स एंड दे आर टू इन नंबर स्टूडेंट. जैसा कि आप देख सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. ये कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है, ये सब हम आगे अभी देखने वाले हैं स्टूडेंट्स. लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो लंग्स होते हैं ये बड़े डेलिकेट होते हैं स्टूडेंट, डेलिकेट होते हैं, तो इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है. तो इनके राउंड आप देखो ये बोन का स्ट्रक्चर होता है, उसका काम होता है लंग्स को प्रोटेक्ट करना, और उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स रिब केज. इस बोन के स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, रिब केज, राइट. तो आपको बात समझ में आई यहां पर. आप ध्यान दें इस स्ट्रक्चर पर, यह जो एक फिल्म लाइक स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं डायफ्रेग्रम. इसके नीचे वाला जो एरिया होता है स्टूडेंट्स, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन वगैरह हो गए, और इसके ऊपर वाले रीजन में रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं. तो ये जो डायफ्रेग्रम है वो हमारे बॉडी में यहां पर कहीं होता है, ठीक है. तो इसके ऊपर चेस्ट वाला रीजन है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होंगे, इसके नीचे एब्डोमेन है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होंगे, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, राइट. अब देखो स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, कि अगर आप इन लंग्स को हटा दो यहां से, राइट, तो आप देखो यहां पर एक एम्प्टी रीजन, एक कैविटी टाइप का रीजन आपको दिखेगा रिब केज के अंदर, रिब केज के अंदर और डायफ्रेग्रम के ऊपर, राइट. तो ये जो कैविटी स्टूडेंट्स का एक टेक्निकल नाम है, इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, या फिर इसको चेस्ट कैविटी बोलते हैं. तो ऑब्वियसली चेस्ट कैविटी तो बोलेंगे इसको, बिकॉज दिस कैविटी इज इन चेस्ट, बट इसका टेक्निकल नाम है थोरैसिक कैविटी, राइट स्टूडेंट्स, ठीक. तो नाउ लेट्स पुट लंग्स बैक. तो लंग्स कहां पे होता है स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में हम बोल सकते हैं लंग्स होता है थोरैसिक कैविटी में. अच्छा, अगर आपसे एग्जाम से पूछा जाए कि लंग्स की लोकेशन क्या होती है, तो देखो हम बड़े अच्छे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे इसको, कि लंग्स रिसाइड इनसाइड रिब केज अबव डायफ्रेग्रम इनसाइड थोरैसिक कैविटी, राइट स्टूडेंट्स. अब लंग्स के अलावा बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की उसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स. तो देखो जब हम सांस लेते हैं स्टूडेंट्स, तो नोज के थ्रू हवा हमारे बॉडी के अंदर जाती है, राइट स्टूडेंट्स. और नोज में दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ये एक नॉस्ट्रिल है और ये दूसरा नॉस्ट्रिल है. तो वही हम यहां पे देखेंगे स्टूडेंट्स, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हवा जो है बॉडी में इंटर करती है और फिर इस रास्ते से अंदर जाती है. ये जो रास्ता आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं नेसल पैसेज. क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज. फिर हवा अंदर जाती है, इस रीजन से क्रॉस करती है, इस रीजन को हम बोलते हैं फेरिनेक्स. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फेरिनेक्स. इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. फिर हवा और नीचे आती है स्टूडेंट्स. फिर आप देखो ये जो बॉक्स टाइप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं लैरिनेक्स या फिर साउंड बॉक्स. इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी बताऊंगा. फिर हवा और नीचे आती है स्टूडेंट्स, और इस पाइप को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विंड पाइप. विंड पाइप से हवा नीचे आती है, इसका टेक्निकल नाम ट्राकिया भी होता है. फिर हवा नीचे आते आते लंग्स के अंदर जाती है. लंग्स के अंदर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स. अब देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले आप देखो इस फेरिनेक्स के बारे में. देखो स्टूडेंट्स क्या है कि हवा यहां से आई अंदर, ठीक है. अच्छा, आप देखो फूड भी हमारे बॉडी में अंदर आता है माउथ से, लेकिन हवा का अलग रास्ता है, वो नेसल पैसेज से आ रहा है, और फूड जो है उसका अलग रास्ता है, वो माउथ से आ रहा है, ठीक है यहां पर. अच्छा, दोनों का अलग रास्ता था, लेकिन ये वो रीजन है, ये वो एरिया है स्टूडेंट्स फेरिनेक्स, जहां पर दोनों पहुंचते हैं. अब इसके बाद फिर से दोनों का पाथ अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स. फूड जो है वो किस रास्ते से नीचे जाएगा, फूड पाइप से, और हवा किस रास्ते से नीचे जाएगी, विंड पाइप से. तो आपको समझ में आया इसका इंपॉर्टेंस क्या है. इसके बाद भी फूड और हवा का अलग पाथ है, और इसके पहले भी अलग पाथ था. ये अकेला वो पोर्शन है जहां पर फूड और हवा दोनों आ रहे हैं. समझ में आई बात, फेरिनेक्स, ठीक है. अच्छा, अब आप देखें ये जो हवा का पैसेज है और ये जो फूड का पैसेज है माउथ, उसके बीच में एक बोनी स्ट्रक्चर होता है दोनों को सेपरेट करता हुआ, उसको बोलते हैं बोनी पैलेट. क्या बोलते हैं, बोनी पैलेट, राइट. अच्छा, अब ये जो नेसल पैसेज है स्टूडेंट्स, नेसल पैसेज हमारा ये आपको दिख रहा है, राइट.
इसमें काफी हेयर्स और म्यूकस होते हैं, होता है ना स्टूडेंट, तो आपको पता ही है कि हमारे ये पैसेज में हेयर्स होते हैं और म्यूकस होते हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट्स। क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? देखो, जो हवा हम बॉडी के अंदर लेते हैं उसमें बहुत डस्ट पार्टिकल होता है स्टूडेंट्स, और वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, इनफैक्ट हार्मफुल है। तो ये जो हेयर्स और म्यूकस यहां पे होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख भी सकते हैं कि हेयर्स एंड म्यूकस इन द नेसल पैसेज फिल्टर्स एयर, दे ब्लॉक डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम इंटरिंग आवर बॉडी। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें तो हवा यहां से अंदर आई, फेरिनेक्स से गुजरी, फिर नीचे आई। अच्छा, अब यहां पर मैंने आपको बताया दिस इज लैरिनेक्स या साउंड बॉक्स। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्टूडेंट। देखो हम अलग अलग टाइप की आवाजें निकाल सकते हैं, देखो मैं अलग अलग चीजें बोल रहा हूं उतने देर से, आप भी बोल सकते हो, राइट? तो ये अलग अलग आवाजें जो है वो हम इस साउंड बॉक्स के कारण निकाल पाते हैं। ये साउंड बॉक्स एग्जैक्टली कैसे काम करता है वो तो हम यहां पे नहीं देखेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, वो हम कभी और देखेंगे, राइट स्टूडेंट्स? तो हवा इस साउंड बॉक्स से होते हुए नीचे आती है, राइट? तो ये विंड पाइप से होते हुए नीचे आई और फिर लंग्स में चली जाएगी। अच्छा, अब आप यहां पर एक और चीज देखें, आपको इस विंड पाइप के ऊपर रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अच्छा, ये कार्टिलेज क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, बोन तो आपको पता है ना, बोन हमारे बॉडी में हर जगह बोन होता है और वो बहुत हार्ड होता है स्टूडेंट्स। कार्टिलेज को आप सोच सकते हो कि बोन का एक सॉफ्टर फॉर्म होता है, ऐसा कुछ सोच सकते हो। हमारे बॉडी में बहुत जगह पे होता है ये। जैसे स्टूडेंट्स आप ईयर की बात कर लो, तो ईयर को आप टच करोगे ना तो आपको कुछ यहाँ पे ना हार्ड हार्ड सा टफ टफ सा लगेगा, लेकिन वो बोन जितना हार्ड नहीं होता है, बोन जितना हार्ड नहीं होता आपको फील होगा, तो वो कार्टिलेज है। वैसे कार्टिलेज बहुत जगह पे होता है, तो ये भी रिंग है कार्टिलेज के बने हुए स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों है यहाँ पे विंड पाइप के ऊपर ये रिंग है कार्टिलेज के, ये क्यों है? तो देखो होता क्या है कि विंड पाइप में होल होता है जिससे हवा अंदर जाती है, ठीक, लेकिन ये विंड पाइप कभी भी कोलैप्स नहीं होनी चाहिए। अगर ये कोलैप्स हो गई किसी भी सिचुएशन में तो हवा अंदर नहीं जा पाएगी और हम सफोकेशन से मर जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है उसका काम होता है कि वो प्रोटेक्ट करे विंड पाइप को और कभी भी उसको कोलैप्स होने नहीं दे, कोलैप्स होने नहीं दे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको हम लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग इन एनी सिचुएशन। सो फाइन स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि अभी तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो आगे क्या होगा कि विंड पाइप से होते हुए विंड आया और वो लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो आप देखो लंग्स के अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं। तो ये जो विंड पाइप है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक इस लंग में आ रही है और एक इस लंग में आ रही है, आप देख सकते हो। फिर ये जो इस लंग में आई वो फर्दर बहुत सारे ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर वो ब्रांचेज फर्दर बहुत सारे ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, राइट? वैसा इस लंग में भी हो रहा है। अच्छा, अब आप देखो ब्रांचेज के बिल्कुल एंड में, बिल्कुल एंड में आप देखोगे तो एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है। बहुत सारे ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम है स्टूडेंट्स एल्वियोलस। एल्वियोलस जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, उसका प्लुरल होता है एल्वियोली, एल्वियोली, राइट स्टूडेंट्स? देखो बायोलॉजी में कई बार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि सिर्फ एस लगाने और हटाने से सिंगुलर प्लुरल नहीं होता है, कई बार अलग हो जाते हैं सिंगुलर प्लुरल वर्ड्स। वैसा ही यहां पर है, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है उनका नाम है एल्वियोलस। एक उनके एक का बात कर रहे हो तो एल्वियोलस सिंगुलर, और बहुत सारों की बात कर रही हो तो एल्वियोली, राइट स्टूडेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो विंड पाइप है वो फर्दर ब्रांचिंग होती है उसकी लंग्स में और उनके एंड में क्या होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एल्वियोलस या फिर उसका प्लुरल एल्वियोली, राइट स्टूडेंट्स? अब आप देखें ये जो विंड पाइप है उसकी दो ब्रांचेज हुई, एक इस लंग के अंदर गया, एक इस लंग के अंदर गया, फिर वो फर्दर बहुत सारे ब्रांचेज में डिवाइड हुई। अब देखो शुरू के जो ब्रांचेज होती है वो थोड़ी मोटी होंगी, आप समझ सकते हो, लेकिन जो बाद के और ब्रांचेज होंगी वो पतली होती जाएंगी, पतली होती जाएंगी। तो शुरू के जो ब्रांचेज होती हैं उनके ऊपर भी रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, जैसा कि यहां पर था, जैसा कि यहां पर था वैसे उनके ऊपर भी रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, लेकिन जो बहुत पतली ब्रांचेज होती हैं उनके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं होता है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो बात? तो बड़ा सिंपल सा है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो ये जो थोड़े मोटे ब्रांचेज हैं जिनके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज है उसको बोलते हैं ब्रोंकस, बट ब्रोंकस इज सिंगुलर, उसका प्लुरल नेम है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, राइट स्टूडेंट्स? तो यहां पर भी वही एस को हटाने या लगाने से सिंगुलर प्लुरल नहीं होता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा नाम पे स्टूडेंट्स, राइट? तो ये कैसी ब्रांचेज है जो मोटी है, ठीक है, और उनके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज है। अच्छा, अब जो पतली ब्रांचेज है स्टूडेंट्स जिनके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं है उनको बोलते हैं ब्रोंकियोली, और उसका प्लुरल होता है ब्रोंकियोलीज, ठीक है। यहां पर सिर्फ एस हटाने और लगाने से ही सिंगुलर प्लुरल हो जाता है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं
कि ये यहां पे विंड पाइप है, फिर वो ब्रांच हुई, ठीक है, तो उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, फिर वो फर्दर पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड होती है, उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूलीज, और वो जो ब्रोंक्यूलीज हैं दे एंड अप इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको क्या बोलते हैं एल्वियोली, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, नॉस्ट्रल से हवा अंदर आई, फिर नेसल पैसेस से गई, फिर फेरिनेक्स, फिर लैरिनेक्स, फिर ट्राकिया, और फिर इन ब्रांचेज से, और फाइनली किस में, एल्वियोली में। फिर वहां पे जाके हवा का क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स, दोनों लंग्स जो होते हैं उनके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं प्लियोरा। क्या बोलते हैं? प्लियोरा। तो हम देख सकते हैं प्लियोरा इज अ थिन मेम्ब्रेन कवरिंग बोथ द लंग्स। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स, राइट।